खबरों की ओर। एरा कंपनी के मनमानी व अधिकारियों के अनदेखी के कारण सारंगढ़ के ग्राम ग्वालिनडी के लगभग दर्जन भर घरों में बरसात का पानी घुसने से घरों में रखे रोजमर्रा की सामानें सहित कई कीमती सामान भी खराब हो गए। वहीं पानी की निकासी नहीं होने के कारण किसानों की फसलें भी बर्बाद हो गई है। दरअसल सरायपाली और रायगढ़ रोड NH 153 का निर्माण करने वाली कंपनी की मनमानी और अड़ियल रवैये और अधिकारियों के अनदेखी का दंश आज सारंगढ़ के ग्राम ग्वालिनडी के ग्रामीण झेल रहे हैं। दरअसल नेशनल हाईवे के निर्माण के पूर्व सड़क की हाइट कम होने और ग्राम ग्वालिनडी के बूढ़ी माता मंदिर के पास पानी निकासी के लिए एक बड़ा पुल होने के कारण बरसात के दिनों में लगभग 3 से 4 गाँव से खेती के माध्यम से आने वाले पानी का निकासी हो जाता था। ग्रामीणों द्वारा कई बार नेशनल हाईवे के अधिकारियों और सड़क निर्माण कर रही एरा कंपनी के अधिकारियों को आवेदन के माध्यम से ये अवगत कराया गया कि सड़क की हाइट ज्यादा होने के कारण बरसात के दिनों में पानी के निकासी के लिए 2 बड़े पुलिया की जरूरत पड़ेगी, पर ग्रामीणों के बातों को अधिकारियों और सड़क निर्माण कर रही एरा कंपनी द्वारा अनसुना कर दिया गया, जिसके कारण सारंगढ़ क्षेत्र में कई घंटों तक हुई झमाझम बारिश के कारण ग्वालिनडी गांव में लगभग दर्जन भर घरों में पानी घुस गया, जिससे घरों में रखे रोजमर्रा की सामानों सहित कीमती सामान भी खराब हो गए। वहीं एरा कंपनी द्वारा छोटे पुल का निर्माण करने के वजह से 3 गांव के खेतों के माध्यम से आने वाली पानी का भी निकासी नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते लगभग खेतों में लगे फसल भी बर्बाद होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि आज जो घरों में पानी घुसा है और घर में रखे सामान सहित जो खेत के फसल बर्बाद हुए हैं, उसकी पूर्ण जिम्मेदारी अधिकारी और एरा कंपनी की है। अगर एरा कंपनी और अधिकारियों ने उस वक्त हमारी बात सुन ली होती तो आज घरों में पानी नहीं घुसता और न ही हमारा नुकसान होता। वहीं ग्रामीणों ने बरसात के कारण हुए नुकसान का मुआवजा भी शासन प्रशासन से मांगा, साथ ही दूसरी बार ऐसी स्थिति निर्मित न हो इसके लिए नए पुल की निर्माण की मांग भी की, साथ ही नव निर्माण पुल के साइज को बढ़ाने की भी मांग की गई। अब देखना ये लाजमी होगा कि क्या स्थानीय प्रशासन इस बात को गंभीरता पूर्वक लेती है और कोई ऐसा ठोस कदम उठाती है जिससे ग्रामीणों को आगामी समय में इस तरह के परेशानियों का सामना करना ना पड़े। मेरा नाम कौशल भारती है। अच्छा, क्या दिक्कत हुआ आज आप लोग को? बारिश हुआ तो दिक्कत, बारिश की वजह से जो नेशनल हाईवे है उसमें पुलिया निर्माण किया गया है, वो पुलिया एकदम छोटा हो गया है और पुलिया का निर्माण में उसका जो हाइट है उसको ऊपर करके मतलब पानी निकासी नहीं हो पा रहा है ऊपर होने के कारण से। इस वजह से पूरा खेत सब में पानी भर चुका है और घरों में पानी घुस रहा है। कितने का नुकसान हुआ होगा, कितने घर डूबे होंगे? लगभग तो 10-15 घर पानी से डूब चुका है और खेत का तो फसल पूरा चौपट हो चुका है। कम से कम 15-20 एकड़ खेत का फसल चौपट हुआ है। घर के सामान की बात करें, कितना नुकसान होगा? अभी लगभग तो घर में जितने छोटे छोटे सामान था वो तो सब पानी में बह के चला गया है, बाकी जो बड़ा सामान था वो सब पानी में भीग के मतलब खराब हो चुका है। क्या चाहते हैं आप शासन प्रशासन से? क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? हम यही चाहते हैं कि हम लोग को मुआवजा दिया जाए और जो खेत का फसल है उसका भी मुआवजा दिया जाए। और ये पानी की निकासी के लिए क्या करवाना चाहिए? पानी की निकासी के लिए एक तो पुल निर्माण के लिए हम लोग वहाँ रायगढ़ में नेशनल हाईवे विभाग में आवेदन किया था, लेकिन उसके लिए कोई सुनवाई नहीं किया गया। सारंगढ़ में भी जो विभाग है उनका नेशनल हाईवे का, वहाँ भी आवेदन दिया था लेकिन उसका कोई भी सुनवाई नहीं हुआ, जिस कारण से पानी का तो सीधा सीधा प्रशासन की और जो नेशनल हाईवे जो बना रहे थे उनकी ये गलत है जो जिस तरीके से अभी पानी भर रहा है गाँव में। हाँ, उन्हीं के लापरवाही से तो ये सब पानी रुक गया है। यहाँ दिक्कत यह है कि बरसात में जो रोड बनाया है अभी, तो रोड में जो पुलिया था पहले बड़ा साइज का था और पुल जो बनाया जो ऊपर कर दिया, उस कारण पूरा पानी निकासी नहीं हो पा रहा है। इसके कारण हमारे के यहाँ के छोटे छोटे मतलब गरीब आदमी का भी घर बुड़ गया है, पूरा ये पूरा पानी घुस गया घर में, पूरा सामान वामान और पूरा परेशानी हो रहा है, मतलब पूरा खत्म हो गया सामान, चावल उसमें दाल वाल सब भीन भान के खत्म। बारिश रात से हो रही है, रात में सोने के लिए कैसे किए थे आप लोगों ने? रात में सोने के लिए सोए नहीं थे, बैठे थे खाट में ऊपर में, बहुत दिक्कत हुआ आप लोगों को? बहुत दिक्कत हुआ, रात भर जागने पड़ा। सामान भी आप लोगों का बहेगा सुनने में? चावल वाल दाल सब खत्म हो गया। प्रशासन अभी कोई प्रकार के ध्यान दे रही है कि नहीं दे रही है? अभी तो ध्यान नहीं दे रही है, हम लोग सोचते हैं मुआवजा, हम लोग को ध्यान जो चावल वाल जो बर्बाद हो गया है उसका मुआवजा दे, घर में सामान वामान टूट फूट गए वो सब का जो मतलब ये दे। ब्यूरो रिपोर्ट, सारंगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। किसी ने सच ही कहा है कि इस कलयुग दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, बल्कि आज खून ही खून का प्यासा नजर आता है। कुछ ऐसा ही मामला निकल कर सामने आया है सारंगढ़ के ग्राम
कुर्राहा से, जहां एक कलयुगी बेटा अपनी ही माँ और भाइयों का जान का दुश्मन बन चुका है। पीड़ित माँ और बेटों